हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योतिष के आइडिया। आज हम छोटी सी और स्नैक्स रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। सभी को नॉर्मली पता ही होगा, ऐसे रेसिपी बनाएंगे, ठीक है। बहुत ही थोड़े से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे हमें। मैंने लिया है यहाँ पे प्याज, एक बारीक कटा हुआ, देख सकते हैं। थोड़ा सा लिया है मैंने धनिया, हरा धनिया, और ये यहाँ पे एकदम बारीक जो सेव आती है, ठीक है, जिस सेव पूरी में यूज होती है वो ये सेव है, ठीक है। और इसमें जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा लगेगा आमचूर और नमक, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। मसाला पापड़ हम बनाएंगे। मसाला पापड़ सभी ने देखा होगा, सुना होगा, बनाया भी होगा। तो हम मसाला पापड़ जैसे ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे मसाला खाकरा। खाकरा सभी को पता है, ठीक है। यहाँ पे खाकरा सादा मिलता है, फिर मेथी का खाकरा मिलता है, मसाला खाकरा मिलता है, बहुत सारे पानी की पूरी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर के मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पापड़ का यूज़ नहीं किया है, ये है मसाला खाकरा, ठीक है। ये मसाला खाकरा है, सॉरी ये जीरा वाला है सादा, और एक ये बनाऊंगी मसाला खाकरा। ये रहा मसाला, ठीक है, और ये रहा जीरा वाला सादा, ठीक है। बहुत ही टेस्ट अच्छा रहता है और एकदम पतले जैसे पापड़ के जैसे रहते हैं। सभी को पता होगा, जिनको पता नहीं है उनको बता दूं, खाकरा इस टाइप से आता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, डालेंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, पहले थोड़ा ही डालना है क्योंकि ऊपर से भी हमें डालना है, ठीक है। थोड़ा सा डाल दिया चाट मसाला, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे नमक, ठीक है, एकदम थोड़ा सा डालेंगे नमक, और फिर जाएगा इसमें प्याज, ठीक है। प्याज को ऐसे अलग अलग करके हम लोग डालेंगे, बहुत अच्छा लगता है ये मसाला पापड़ के जैसे ही लगता है मसाला खाकरा। ये भी गेहूं का ही आता है, मैदे का नहीं आता है, ठीक है, गेहूं का ही रहता है। रोटी, पतली सी रोटी बेलते हैं और उसको दो से तीन बार अच्छे से दबा दबा के सेक लेते हैं, तो ये क्रिस्पी खाकरा बन जाता है, ठीक है। ये डाला थोड़ा सा प्याज, फिर डालेंगे इसके ऊपर, डालेंगे हम लोग थोड़ा सा नमक, और एकदम थोड़ा थोड़ा डालना है। थोड़ी सी वापस से जाएगी लाल मिर्च का पाउडर, एकदम थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दो से तीन बार हमें डालना है। थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला, ठीक है, फिर बाद में डालेंगे इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा जाएगा इसके ऊपर हमारा धनिया, बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी लगता है। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, मसाला पापड़ जैसे खाते हो ना, ये सेम ही लगेगा आपको, एकदम सेम, ठीक है। और डालेंगे इसके ऊपर से ये बारीक झीनी सेव, अब सेव के ऊपर से सिर्फ हमें थोड़ा सा चाट मसाला डालना है और कुछ नहीं, ठीक है, ये डन हो जाएगा। अगर नींबू आप खाते हो तो नींबू ऊपर से डालिएगा, स्प्रिंकल कीजिएगा, नींबू डालने के बाद तुरंत खा लीजिएगा, नहीं तो ये नरम हो जाएगा। थोड़ा सा अभी स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला ऊपर से, ठीक है, और ये रेडी हो गया हमारा इजी स्नैक, खाकरा मसाला पापड़, ठीक है। देखिए बहुत सुंदर और एकदम क्रिस्पी है, एकदम क्रिस्पी, तुरंत बना के तुरंत खाइएगा, क्योंकि सिर्फ ऑनियन का पानी निकल जाएगा तो वो नरम हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा। मैं एक और बनाऊंगी मीठी वाला, ये मैंने बनाया था सादा वाला, ठीक है। देखिए बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट, 5 से 6 इंग्रेडिएंट में ये बन जाता है। नींबू आप ऊपर से डाल सकते हो और इसको सर्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने रेडी कर लिया है, आप लोग भी नाश्ते में, स्नैक्स के टाइम ज़रूर इसे बनाइए, ज़रूर खाइए, और मुझे कमेंट्स कीजिए आपको कैसा लगा ये मसाला खाकरा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा। चलिए टाटा बाय बाय।